खास तौर से सादिया नहीं लई खाजी और हमारे सारे रुका और दोस्त अहबाब इस रैली का हम इस्तकबाल करते हैं और ये इंसाफ की रैली है। अगर जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह महिला भी हम सब भी इसका जरूर साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंसाफ रैली जो है ये इंसाफ रैली इसलिए है, ये एक पार्टी के नाम से जरूर है मगर सही मानों में ये अगर आप हमारा नारा देखेंगे तो शहर बचाओ इंसाफ यात्रा है, ये शहर के लिए है। इसमें कोई भी पार्टी किसी भी सोच और फिक्र का आदमी वो अगर हमारा इस्तकबाल करता है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मालेगांव शहर के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये सबकी सोच होना चाहिए। अगर क्योंकि ये इंसाफ जो है ये मालेगांव शहर के साथ नहीं हो रहा है और एक मंत्री के दबाव में नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ ये यात्रा निकाले हैं। आज हमारे सलीम भाई पीला फेटा लाइक हाजी साहब इन्होंने इंसाफ यात्रा का इस्तकबाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि पार्टी से ऊपर उठकर शहर के लिए सोचने पर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। समाजवादी पार्टी के मौके पर शहर मालेगांव में एक तहरीकी यात्रा इंसाफ यात्रा के नाम से मोहतरमा शान हिंद साहिबा साथी मुस्तकीम बिजनेटी अतर हुसैन अशरफी साहब और दिगर रुकायेदार इस यात्रा को इंसाफ यात्रा के तौर पे शहर में पेश किया और इस बात की हम आलिया सुनी के बदल इस्लाम मुतरगा हजरत मासूम शाह कुफरी ट्रस्ट की जानब से मुकम्मल तायद हिमायत करते हैं कि शहर मालेगांव में जो 70% तेज से भर्ती है यह आवाम इस शहर से तमाम सरकारी दफातर 100 बेड का हॉस्पिटल बैंक ऑफ बड़ौदा रजिस्ट्रार ऑफिस वो दिगैर ऐसे ऑफिस जो शहर की सहूलत के लिए यहाँ मुहैया थे उसको नदी के उस पार ले जाकर कहीं ना कहीं शहरियान के साथ नाइंसाफी हुई है और इसको मद्देनजर रखते हुए जो इंसाफ यात्रा दरगाह हजरत मासूम शाह कुफरी तक पहुंची है हम इसकी भरपूर तायद हिमायत करते हैं और ऐसे तमाम आने वाले लोगों की हम भरपूर तायद हिमायत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं शहर समाजवादी पार्टी का कि आवाज की नक्श को जानते हुए इस यात्रा को निकाला। हम अदारे हुजूर सुफी मिलत की जानिब से खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते अपने असलाफ में से हमारे बुजुर्ग सूफी गुलाम रसूल रहमतुल्लाह ताला के उस कायमकर्ता खानकाह पे पहुंचे जैसा कि हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों की रिवायत रही है कि खानकाह के जो जिम्मेदार होते हैं वो हमेशा आने वाले मेहमानों का और हर अच्छे काम का इस्तकबाल करते हैं। इसी सुन्नत को सूफी नूरुल्लाह साहब ने अपने बुजुर्गों की सुन्नत को अदा किया। हम समाजवादी पार्टी की जानिब से तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं और उनसे अपील करते हैं कि आप जिस अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे हुए हैं वहाँ से हमको रूहानी फुजूल और बरकात चाहिए, उसकी ज़रूरत है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारी कौम हमारे मिल्लत और हमारे शहर की इस तरह की आवाम जो बेयार और मददगार है कहीं ना कहीं आज निहाल अहमद की दुख्तर नेक अख्तर मोहतरमा शान हिंद साहिबा के ऊपर शहर भरोसा किए हुए हैं। बस अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इन्हें फतेह नुसरत अता फरमाए और ये शहर की कुछ खिदमत करें और शहरियान को ये बता दें कि जो काम मालेगांव के मर्द लीडर ना कर सके वो कौम की एक बेटी ने करके दिखाया। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। शहर बचाओ इंसाफ यात्रा।
2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन निकालने का मकसद ये था कि मालेगांव शहर के साथ जो सुलूक हो रहा है वो तमाम शहरियान के सामने है और हम देख रहे हैं कि मुसलसल नाइंसाफी होने के बावजूद भी न मौजूदा एमएलए न साबिक एमएलए उस मामले में कुछ बोल रहे हैं। आने वाला वक्त इलेक्शन का है, असेंबली इलेक्शन ये फैसला करेगा कि ये शहर इस 25 साल के मिली जोड़ का खात्मा कैसे करेगा। गांधी को गोली मारी गई, गांधी को जब गोली मारी गई तो उससे पहले गांधी पे हमला या प्लानिंग नहीं थी, ऐसा नहीं था, मगर गांधी डरे नहीं, दुबले पतले थे, बॉडी बहुत ताकतवर नहीं थी, मगर डर खौफ गांधी में नहीं था। गांधी फिरका परस्तों की 3 गोली का शिकार हुए और अमर हो गए। आप देख रहे होंगे इस शहर में गोलियों की रास लीला चल रही है, गोलियों पर बात हो रही है, कल रात में भी इस शहर में फायरिंग हुई। हम इस शहर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं ये आपको तय करना है कि हम इस शहर में जो आउटर में सब चीज चली गई वो इस शहर में लाना चाहते थे या गोलियों पर बात करना चाहते थे, गोलियां चले, तलवारें निकले, इस तरह की तकरीर पसंद करना चाहते थे। यहाँ इस्लामाबाद वाले भी हैं, हम भी मौजूदा एमएलए के साथ थे, मगर 5 साल का उनका रवैया, इस्लामाबाद वाले भी बुरा भला ही बोलते थे, मगर आज क्या मजबूरी हो गई कि उनकी ही चौखट पर चले गए। बड़े बहादुर थे, इलेक्शन लड़ने की बात बोलते थे, मगर जब वक्त आया तो उनकी ही चौखट पर जाकर नाक रगड़े और गोली से डर गए। अरे मैं बोलता हूं कि अगर मुझे गोली लग गई, मैं मर भी गया, तो भी शान हिंद इलेक्शन लड़ेंगी। हम कभी डरने वालों में से नहीं है, सिर्फ जबान से बहादुर की बात नहीं करते, जिनके साथ गए हैं उनका दबदबा और उनकी ताकत भी देख ली, हाई कोर्ट जाना पड़ा। अगर हमारे साथ रहते तो गांधी के रास्ते से ही हम जिनको वो जेल भेजना चाहते थे इंशाल्लाह जेल भेज दिए होते। उन्हें पता है कि जो आज एमएलए है, 5 साल से जो एमएलए थे वो 5 साल के एमएलए रहते हुए मालेगांव शहरियान परेशान रहे, गुंडागर्दी बढ़ी, नशा और असिया फरोख्तगी बढ़ी, हर बुराई पनपी और यहाँ तक के इस्लाह की बात करने वाले असलाह की बात करने लगे। ये इस शहर का हाल है, जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। आप यकीन मानो आने वाला इलेक्शन बदलाव का इलेक्शन है, इंसाफ का इलेक्शन है, इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हम एक बात मानते हैं कि शान हिंद को एमएलए बन जाए, वो एमएलए बन जाएंगी तो हमारा सियासत चलेंगी या हमारा सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं है। हमको कोई जरूरत नहीं है, हम इस शहर में जिंदाबाद मुर्दाबाद निहाली नजरिया जिंदा रखने के लिए करते हैं। अगर निहाली नजरिया इस शहर में मर गया तो यकीन मानो इस शहर के तमाम लीडर बड़े रुस्तम भी बुजदिल हैं, कोई बहादुर नहीं है। फिरका परस्तों से लड़ने के लिए इनकी बहादुरी कहाँ चली जाती ये किसी को नहीं पता। इसलिए निहाली नजरिया और गांधियाई तर्ज इस शहर में जिंदा रखना जरूरी है, इंसाफ इस शहर को मिले, इसलिए हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है? ताकत से लड़ना है। इतनी तेज आवाज से बोलोगे इस्लामाबाद से नयापुरा तक आवाज जाना चाहिए कि इलेक्शन लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। और
इंशाल्लाह लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। और अब जब पूछूंगा तो ये हवाई हजार गोली तक जाना चाहिए। इलेक्शन लड़ना है, इंशाल्लाह लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। ये इंसाफ यात्रा तुम्हारे बदलाव की होगी। इस शहर में बदलाव की एक लहर है। जो लोग इस किले को अपना गढ़ मानते हैं उसकी दीवारें हिल रही है। किले के लोग समझ रहे हैं किले में मीटिंग रख के खाना रखना पड़ रहा है, पुलाव खिलाना पड़ रहा है, तो उनकी मीटिंग हो रही है। ये हालत हो गई है। मैं कह रहा हूं कि जमीन खिसक चुकी है। आने वाला वक्त जब इलेक्शन का आएगा और इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। मैं कल इस हिस्से में शाम से देर रात तक घूमा, कई दानिश्वर लोगों के पास भी गया, जिनको शहर की फिक्र है उनके पास भी गया। उन्होंने मुझे नहीं बोलना पड़ा कि क्या करना है, उन्होंने मुझे बोला कि ये करो ऐसा करो। ये शहर बर्बाद हो रहा है। आप देखेंगे आज स्कूल के बच्चे कीचड़ में से जाते हैं। एमएलए जो है वो रोड और पोल और गलियां बनाने में मस्त है। ठेकेदारी की नियत से सिर्फ काम किया जाता है। एक काम ऐसा वो नहीं बता सकते जो एज एमएलए वो काम किए हो इस शहर में। हम मवी शान हिंद यहाँ आई है, मैं इसकी गैर हाजिरी में भी बोला, इसकी हाजिरी में भी बोल रहा हूँ हिसाब से इस शहर में गोलियों की और बंदूकों की बात हो रही है दोनों तरफ से, और कल रात में भी गोलियां चली है। ये शहर गुंडागर्दी की तरफ जा रहा है। आने वाले वक्त में मैं फिर बोलता हूँ कि इलेक्शन के वक्त तक अगर मुझे भी या किसी साथी को भी गोली लग जाती है तो भी शान हिंद असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, ये वादा उसको यहाँ करना होगा। हम एक गोली और एक धमकी और तलवार से डरने वाले लोग नहीं है। ये सारा शहर जानता है कि बड़ी ताकत से, कितनी भी बड़ी ताकत हो, उससे अगर इस शहर में कोई लड़ सकता है, कोई जवाब दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ निहाली सोच है। हम इस शहर में इंसाफ और बदलाव के लिए निकल रहे हैं। जितने मेरे साथी दूर तक मेरी बात सुन रहे हैं, मैं वो लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शहर को बचा लो। इस शहर को अगर इंसाफ दिलाना है तो इस शहर में ये 25 साल की जो जोड़ी है, इस जोड़ी को तुम्हें घर भेजना होगा। और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी से शान हिंद की उम्मीदवारी जो डिक्लेयर की गई है उसको कामयाब करके तुम्हें नुमाइंदा भेजना होगा। उसी वक्त इस शहर के साथ इंसाफ होगा, नहीं तो इस शहर के साथ कोई इंसाफ नहीं कर सकता। मंत्री से 1 करोड़ 1.5 करोड़ ठेके में बिकने वाले लीडर इस शहर में है, छोटे बड़े तमाम ही लीडर। मंत्री से ये नहीं बोलते कि मालेगांव शहर के साथ इंसाफ करो, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लाओ। तुम तो तुम्हारे यहाँ 100-100 एकड़ पे प्रोजेक्ट ला रहे हो, 100-100 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हो, तजीन कारी कर रहे हो, हमारे शहर में कुछ दो। और मंत्री साहब को भी पता है कि सिर्फ निहाली नजरिया या निहाल अहमद को मानने वाले लोग ही उनकी बात नहीं सुनेंगे। सिर्फ हम ही वाहिद है जिन्होंने कभी ठेका नहीं लिया मंत्री से, नहीं तो छोटे बड़े 1-1.5 करोड़ के ठेके में बिकने वाले मालेगांव शहर की आवाम को 1-1.5 करोड़ का ठेका लेकर बेचने वाले लीडर इस शहर के सेंट्रल में है। आप देखो बड़ा ला आते हैं उनको लेके स्टेज लगाते हैं सिर्फ इस लिए। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ कारपेट ग्रास हेटलोन रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।